जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की भर्ती के बारे में। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे भाई एसएससी की भर्ती कब आएगी करके। पिछले बार अभी देखिए, पहले आपका नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, आने वाला था और भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया। सेकंड आपको बोला था कि जून में आपको फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा, मई में आपको मिल जाएगा करके। मई में भी आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिली और जून में, इस जून में आपको आने की फुल संभावना सभी लोग बता रहे हैं कि जून में कन्फर्म है कि भर्ती आ जाएगी करके। ठीक है साथियों, अभी ना अभी आपने देखा होगा बहुत से डिस्ट्रिक्ट पर जो है कि लॉकडाउन खुल गया है। ठीक है, और जल्दी आपको एसएससी की वेबसाइट पर जल्दी आपको न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है कि एसएससी की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी एसएससी की वेबसाइट पर डलने वाला है। ठीक है साथियों, बहुत सी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा करके। ठीक है, तो आप लोग निराश ना हो, यदि आप स्टडी कर रहे हो तो अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि एसएससी की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आपकी जानकारी के बता दूं कि जो पेपर है उसमें बहुत से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि 10 या 12 जून को जो है एसएससी की भर्तियां को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज तक की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर बताया गया था कि जो भर्तियां है वो 10 से 12 जून तक आ जाएगी करके, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर क्या बताया गया। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आज तक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपको बता दिया गया, आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2021 जल्दी जारी हो सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन ssc.nic.in की पर ऐसे होंगे आवेदन। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी आधिकारिक तिथि घोषणा नहीं की गई थी, मगर अधिकांश राज्यों में शुरू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया देखते हुए यह संभव है कि जून के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जून के अंतिम सप्ताह तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर और दिया हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करता है। आयोग ने इससे पहले 7 मई को भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के लिए स्थगित कर दी थी। जारी नोटिस में आयोग ने कहा था कि लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कांस्टेबल जीडी भर्ती नोटिफिकेशन तय डेट पर जारी किया जा सकेगा। ठीक है, आयोग ने जानकारी दी है, कोरोना स्थिति में सुधार होने पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। किसी भी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई थी, मगर अधिकांश राज्यों में शुरू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया को देखते हुए यह संभव है कि जून के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ये वेबसाइट दी हुई है पर नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दिया हूँ कि ये यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है कि जून में आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आज तक का पेपर है, यहाँ पर बताया गया है। साथियों, यहाँ पर एक और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर बताया गया था कि कांस्टेबल जीडी भर्ती की तैयारी पूरी, जल्द जल्द जारी होगा विज्ञापन। ठीक है, यहाँ भी बताया हुआ था एसएससी द्वारा कोरोना के कारण भर्ती की घोषणा में हुई थी देरी। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपको ये बता दिया गया है कि आपका जो है 10 या 12 जून तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखो साथियों, ये अनुमानित डेट है कि हो जाएगा, क्योंकि कई जगह पर अभी कोरोना का जो है लॉकडाउन नहीं खुला है, कोरोना कोविड जो चल रहा है उसका लॉकडाउन नहीं खुला है, उसको देखते हुए ये अभी कई जगहों पर खुल गया, उसको अनुमानित के हिसाब से यहाँ पर 10-12 जून को ये नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि आ सकता है करके। ठीक है, ऐसा कोई पक्का नहीं कि आएगा ही करके, अनुमान बताया जा रहा है कि 10 या 12 जून को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथियों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो साथियों आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप अपनी तैयारियां जारी रखिए, क्योंकि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखिए और आप डिमोटिवेट ना होइए, क्योंकि देखिए कोरोना जैसे ही हटेगा तो आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि शासन भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए करके। ठीक है, कोरोना के कारण ना आपके पेपर हो पा रहे हैं और ना ही आपका जो वैकेंसी जारी कर दिया जारी हो रही है। अभी आपने देखा रेलवे के पेपर जो होना था वो भी अभी रुके हुए हैं, एनटीपीसी का जो होना था वो भी अभी रुके हुए हैं, उनके पेपर भी नहीं हुए हैं, ये सिर्फ कोरोना के चलते नहीं हो चुके हैं हो रहे हैं। तो आप डिमोटिवेट ना हुई, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिएगा, आपको जल्दी वैकेंसी न्यू वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो आई होप साथियों मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथियों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सही समय में मिलती रहे। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है साथियों, मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।